हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टूर नॉलेज। और आज हम जानेंगे सपुतारा हिल स्टेशन के बारे में, जो गुजरात में बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो अपने हरे भरे दृश्यों, पेड़ पौधों और सनसेट के लिए बहुत फेमस है। साथ ही यहाँ का एक झरना जीरा फॉल, वो भी बहुत फेमस है। तो आइए जानते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ टूर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है व्यू पॉइंट। सापुतारा में टेबल पॉइंट, टाउन व्यू पॉइंट और वेल्टी हिल है, जहां से आप बहुत ही खूबसूरत सापुतारा के बहुत खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहां ज़रूर घूमने जाइएगा। 9वीं जगह है पूर्णा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी अच्छी है और यहाँ 700 से भी ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं, और साथ ही यहाँ पे आप कई दुर्लभ जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। यह टाइम पास करने की बहुत अच्छी जगह है। 8वीं जगह है सापुतारा म्यूजियम। सापुतारा म्यूजियम आदिवासी जनजाति लोगों के रहन सहन के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर आप आदिवासी जनजाति के लोगों के रहन सहन, कपड़ों और जो सामान वो यूज करते थे, वो सारे सामानों को देख सकते हैं। 7वीं जगह है लेक गार्डन। लेक गार्डन बहुत ही सुंदर गार्डन है और सापुतारा में यह जगह फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही एक और गार्डन है रोज़ गार्डन। यहाँ पर आप अलग अलग वैरायटी के रोजेस देख सकते हैं। 6वीं जगह है आर्टिस्ट प्लेस। यह खूबसूरत गांव जिसमें बांस और कपड़े की बनी हुई कई शानदार कलाकृतियाँ हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ भील, कुंडी और बरली गाँव के आदिवासी लोगों की बनाई हुई चीज़ों को देख सकते हैं, साथ ही उन्हें खरीद भी सकते हैं। 5वीं जगह है स्टेप गार्डन। स्टेप गार्डन भी फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है और बहुत सुंदर जगह भी है। यहाँ लोग पिकनिक मनाना बहुत पसंद करते हैं। 4वीं जगह है गिरा वाटरफॉल। यह सापुतारा से 50 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी सापुतारा घूमने आने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार जगह है, और यह सीजनल वाटरफॉल है इसलिए बारिश के मौसम में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पर बाकी मौसम में भी आप इसे देख सकते हैं, यह बहुत सुंदर लगता है। 3री जगह है सापुतारा लेक। इस लेक के नाम से ही इस जगह का नाम सापुतारा था। यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट इस लेक में वोटिंग करने का मजा जरूर उठाते हैं, खास करके शाम के टाइम। शाम के टाइम इस लेक में वोटिंग करने का एक अलग ही मजा है। 2री जगह है नागेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव जी का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के आसपास के नज़ारे बहुत सुंदर हैं, जो इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और लोग यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। पहली जगह है सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट। सनसेट पॉइंट बेहद खूबसूरत जगह है, जहाँ से सनसेट देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके साथ ही सनसेट पॉइंट से 10 मिनट की दूरी पर सनराइज पॉइंट है। यहाँ पास ही आप पैराग्लाइडिंग का मजा भी उठा सकते हैं, और सापुतारा में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी सापुतारा में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगह के नाम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।